नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनवीर। मैं स्वागत कर रहा हूं आप सबका टीवी ग्रेंज का नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम इलेवन ECS एलिएंट T10 लीग जो PPT और LEV के अंदर होने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा और धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में मैं स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो बिना स्किप करते हुए देखते रहना। और इसके अलावा जो सारे के सारे T10 लीग है वो सब क्लीन स्वीप कर दिया स्मॉल लीग में, सारे के सारे स्मॉल लीग है क्लीन स्वीप कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसका जो पहला मैच, सॉरी इसके आगे जो मैच है ये आप लोग देख सकते हैं, 382 पॉइंट के साथ क्लीन स्वीप कर दिया वाइस कैप्टन, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिया था दोस्तों। ये हो गए बात, तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ऐसे अच्छे टीम पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन आपके वीडियो के नीचे पे है लाल कलर के, उसको दबा देना। उसके साथ साथ एक घंटे आकर के बेल आइकन आएगा ऐसा ही है, तो उसका भी दबा देना ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो, जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कवर हो जाएगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को डेली 300 से 400 रुपये अर्न करने की टिक्स बता दूंगा बिल्कुल फ्री में। कोई ड्रीम इलेवन नहीं है, बिल्कुल फ्री में 300 से 400 रुपए अर्न करने की टिक्स बता दूंगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है लेकिन चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ जो ऑप्शंस है उसके अंदर। तो पहले अगर बात करें तो एस सिंह आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे एक विकेट कीपर होने वाला है, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं दोस्तों, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बात करें तो ये जो याटन है दोस्तों ये बिल्कुल खेलने वाले नहीं है, लेकिन भरम भट्ट जो है दोस्तों ये आपके लिए उतनी अच्छा पीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए और उतनी अच्छी बैट्समैन नहीं है। तो मैं इस सिंह के साथ जा रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा भरमभट। तो बैट्समैन की अगर बात करें तो हंट आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है LEV की तरफ से, तो मैं हंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जी सिंह आपके लिए एक बहुत ही शानदार कैप्टन की ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जी सिंह आपके लिए कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है आज के मैच में क्योंकि ये ओपन करते हैं, तो उसका भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ये जो राय है बिल्कुल खेलने वाले नहीं है। उसके बाद जगदीप सिंह है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है दोस्तों, तो इसका भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले तो ये भी सिंह आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं है दोस्तों क्योंकि उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं। ज़मीर भी आपके लिए उतनी अच्छी पिक नहीं होने वाला है, ये भी बिल्कुल खेलने वाले नहीं है। हाँ ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा सा ले सकते हो इसको पिक करके। हाफिज़ जो है दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा पिक होने वाले है आपके लिए LEV की तरफ से, तो आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा पिक होने वाले है। और सकीम जो है दोस्तों ये भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है, तो आप लोग लेना चाहते हो तो PPT के तरफ से रिस्क के साथ आपको लेना होगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है लेकिन अच्छा है तो लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो मॉरिसन जो है ये बिल्कुल अच्छे प्लेयर नहीं है, तो ड्रॉप करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इधर से जमीर के साथ जा रहा हूँ, उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बात करें तो गनू कुमार आपके लिए बहुत ही शानदार है कि वाइस कैप्टन के ऑप्शन होने वाले, आप लोग अलग से ट्राई कर सकते हो। गनू कुमार के साथ कैप्टन और जो बैट्समैन है ये जी सिंह, इसके साथ आप लोग वाइस कैप्टन के रूप में जा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि जी सिंह इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म पे है, तो गनू कुमार को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अब्बास आपके लिए बहुत ही शानदार एक ऑलराउंडर होने वाला है, तो अब्बास को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके देखते दोस्तों ये जो KL लाल है, जैसे मैंने पहला मैच पर कहा था KL लाल को ग्रैंड लीग में एक टीम में कैप्टन बनाओ और सारे के सारे ग्रैंड लीग जो है विन कर लो, तो वैसे ही हुआ है। KL लाल तो बहुत ही अच्छे के प्लेयर है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। आप लोग और एक कम कर सकते हो, KL लाल के जगह पे आप लोग LEV के साथ जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा। आप लोग अब्बास के जगह पे ये LEV के साथ जा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन मनी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग जाके
देख सकते हो, फाइनल टीम्स मैं डाल देता हूँ डेडलाइन से पहले टॉस के बाद। तो ये हो गए बात, तो आप लोग ज़रूर जाना, जाके ज्वाइन हो जाना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। तो बॉलर के अगर बात करें तो पहला नाम आता है फैज़ भट्ट, बहुत ही शानदार है के बॉलर है कि वो अब्बस भी आपके लिए बहुत ही शानदार है के पीके है दोस्तों। तो ये दोनों को मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद अगर बात करें थोड़ा नीचे आके दोस्तों, ये जो आई अहमद है ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग में थोड़ा सा शानदार पिक होने वाला है दोस्तों, लेकिन मजबूती के साथ मैं बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि उतनी अच्छी प्लेयर नहीं है। बी सिंह आपके लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है, लेकिन क्रेडिट आपके पास 7.5 है दोस्तों, इसलिए मैं ऑलराउंडर्स की तरफ से जो अब्बास है इसके जगह पे मैं एल सिंह के साथ जा रहा हूँ, और बॉलर की तरफ से मैं बी सिंह के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हो गए कम्बिनेशन, अभी भी क्रेडिट 0.5 बची है, लेकिन प्लेयर उतनी अच्छी बची नहीं। इसके बाद बात करें तो सारे के सारे प्लेयर इतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, तो बिल्कुल मत पिक करना। मैं स्मॉल लीग में जो टीम बनाए उस टीम को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जी एस सिंह जो है दोस्तों, ये आपके लिए वाइस कैप्टन में बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है। जी सिंह जैसे मैंने कहा कैप्टन के लिए एक बहुत ही शानदार बहुत ही मजबूत एक बैट्समैन होने वाले, तो मैं इसके साथ कैप्टन जा रहा हूँ। उसके बाद जे जगदीप सिंह आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार एक पिक होने वाला है। जमीर और घंट ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे पिक नहीं होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन में। के लाल आपके लिए बहुत ही शानदार एक वाइस कैप्टन की पिक होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो के लाल के साथ। मैं जा रहा हूँ के लाल के साथ वाइस कैप्टन, और गनु कुमार के साथ कैप्टन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार एक ऑलराउंडर है। उसके बाद बात करें तो एल सिंह भी आपके लिए थोड़ा सा वाइस कैप्टन में अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे तो लगता है ये बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है, रिस्क के साथ जाना होगा। बी सिंह जो है वाइस कैप्टन के लिए थोड़ा सा अच्छा पिक रहेगा, लेकिन उसके बाद बाट और अब्बास बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है। ये टीम को मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखते हैं कैसे टीम बना है हमारा दोस्तों। इससे पहले अगर बात करें तो ड्रीम इलेवन में आप लोग बहुत सारे रुपए हार चुके हो पहले, तो आपके लिए फैनमोजो एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, उधर से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो, बहुत ही शानदार एक वेबसाइट है फैनमोजो। तो ये हो गया टीम, टीम को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जो एस सिंह है मेरा विकेट कीपर रहेगा, कैप्टन मेरा गनू सिंह रहेगा, सॉरी जी सिंह रहेगा, और जगदीप सिंह मेरा बैट्समैन रहेगा, जी हंट बैट्समैन, जमीर बैट्समैन, गनू कुमार, एल सिंह, के लाल, जो के लाल मेरा वाइस कैप्टन रहेगा, तो ये तीन मेरा ऑलराउंडर रहेगा। उसके बाद बी सिंह, एफ भाट और क्यू अब्बास, ये मेरा बॉलर रहेगा दोस्तों। तो ये तो फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, उधर मिल जाएगा दोस्तों। तो पहले सॉरी दोस्तों, वीडियो यही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक बात बता दूँ कि आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कवर कर दो मेरा। मैं आप लोगों को डेली 300 से 400 रुपये फ्री में अर्न करने का टिक्स दे दूंगा दोस्तों। तो ये होगा आज की वीडियो, वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले मैच से पहले। थैंक यू, बाय, बेस्ट।